Happy birthday, Pakistan. तो ये सारे बच्चे आ गए हैं, बच्चों के लिए ले आए हैं। ये पाकिस्तान का झंडा जो है ना लगा दिया है, और अब हम जा रहे हैं सारे बच्चों को लेके बाहर। भाई लोगों के पास ना इस तरह के बाहुबली बाजे ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे बच्चों को बाजे में जा रहे हैं। तो आज है 14 अगस्त का दिन, और आज हम आपको दिखाएंगे कि हम सारा दिन कैसे मनाते हैं 14 अगस्त का दिन। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो आज हम ना वैसे हम घर में नहीं मना रहे क्योंकि उमैर प्लाजे भी है, तो हमने सोचा कि वहाँ पर जाके ना उमैर और अमना को सरप्राइज करते हैं। उन्हें कोई नहीं पता कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं फिर और वहाँ पर जाके देखते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें भी खरीदनी हैं। जो आयत का था उसका ड्रेस तो हमने ले लिया था, तो बाकी जो चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें वो लेके आते हैं। लेकिन भाभी भी साथ हैं और बच्चे सारे साथ हैं, और काल भाई जो वीडियो बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सब आ गए हैं, हम लोग सब जा रहे हैं, ये देखिए पीछे सब खड़े हुए हैं। तो मैं वीडियो बना रहा था, तो अभी हम चलते हैं। कुछ चीज़ें बच्चों के लिए और खरीदनी है, बाजी शादी कोई और लेने हैं क्योंकि कह रहे हैं कम है, तो वो लेते हैं और फिर हम चलेंगे उमैर के पास। तो हम सब फैमिली की तरफ से आप सबको तो बहुत बहुत मुबारक हो जी। आज हम अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे, लास्ट टाइम भी हमने किया था, दनान भाई भी आए हुए थे, तो आज हम खुद कर रहे हैं और चलेंगे हम बैरिया टाउन प्लाजे पे। चलो जी, रात जैसे भी हो ना जश्न आजादी जरूर मनानी चाहिए, जो जिस तरह की मर्जी रात हो, क्योंकि ये आजादी जश्न आजादी मुल्क की जो आजादी है ना, एक आजादी एक नेमत है, ये उनसे आजाद नहीं है, बिल्कुल आजादी जरूर मनानी चाहिए। चलो जी हम चलते हैं। तो जी अब हम सब तैयार होके जा रहे हैं कहाँ पर, प्लाजे पर। चलो जी बच्चे तैयार हो जाओ। चलो जी बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, बच्चे जो है ना बाजे बाजे पकड़े हुए हैं, बड़े बड़े बाजे मैं और भी ले आया हूँ, यानी इस बाजे भी ले आया। इस बाजे को क्या कहता है? बाहुबली। बाहुबली बाजे, बाहुबली में वो जो मैं जब लेने गया था ना, तो उससे मुझे यही नाम बताया था कि बाहुबली। तो जी जो हम अपने बचपन में 14 अगस्त मनाते थे ना, ये बच्चे तो अभी उसके करीब भी नहीं पहुंचे, क्योंकि ये करीब नहीं हो सकते, क्योंकि अच्छा झंडिये भी हमने मैं इस बार मंगवाई हुई थी काफी ज्यादा ना, कि हम ना वो बनाएंगे इनको ना, बना के ना इनको बताएंगे हम कैसे करते थे। लेकिन ना कल बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी, मैं तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो कल हम वो बना नहीं सके। झंडिया भी पड़ी हुई है हमारे पास काफी ज्यादा, क्योंकि अभी ये कहने में ही है कि जोश बड़ा होता है, जोश जो होता ना पहले होता था पहले ये तो आपको कोई जोश ही नहीं है, जोश जो तैयारी होती थी पहले, अब तो तैयारी होती थी। अब तो लोगों में एक ही चीज का जोश है, बाजे बजाने और कोई जोश नहीं है। बच्चों का भी यही है कि जी बाजा चाहिए। हमारी नया भी कहती है मुझे दो बाजा। वो देखो यार पीछे बाजा पकड़ के बैठा हुआ है, ये देखे वो छोटू से छोटा बाजा पकड़ा हुआ है, यहाँ का तो बाजा भी अजीब सही है। आपने बाजा पकड़ा हुआ है? छोटे छोटे बाजे, छोटे छोटे बाजे पकड़े हुए हैं, किसी ने बड़े बाजे पकड़े हुए हैं। हमारे दौर में ये होते थे, ये झंडे हम पकड़ते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वैसे के पड़े हैं जिसमें से हमने 14 अगस्त वाला ले लिया, उसकी पेमेंट हो रही है। ये वाला केक किसी ने स्पेशल ऑर्डर करवाया, बहुत खूबसूरत केक है, आधा जैसे पाकिस्तान का प्लान होता है वैसे तरह ये केक बनवाया, बहुत जबरदस्त केक। सारे हम पहुंच गए हैं प्लाजे पे, तो हम चलते हैं अंदर। चलो जी बैठ ही लिया अंदर, से उन्होंने ही बातें आ रही हैं। यहाँ तो जाता है कि सुबह नमाज पढ़ने भी जाते हैं। गर्मी है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत गर्मी है। अच्छा बाजे शादी लेके आए, बड़े बड़े बाजे काम किया यहाँ ने, तो भी है बहुत सारा सामान भी है।
ये देख भी ये देख ये ना पकड़ ले बाजा पकड़ ले बाजा अरे बाजे से डर रही है बाजे से डर रही है जुल लो जी हम आ गए हैं साले ना एसी के अंदर बैठे हुए गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ के बैठे हुए ये मार कर का हम आ जाओ तो मौसम अच्छा हो गया निकलने लगे हैं बारिश मेरा लड़का मेरा दोस्त है मुझे इजी काम में चाहिए ना मेरे लिए चिप्स लाइए आए जो है ना देखे पहचान लिए कौन कौन आया हुआ बड़ी देर बाद मिली हमसे हफ्ते बाद में एक हफ्ता हो गया 15 दिन बाद आए देख रही है नहीं दरमियान में एक दिन आए हो तुम लोग पहचानती है वो ना बाजे की वजह से थोड़ी हो गई है वो बाजा ना जाना वो डर रही है सारे बच्चे आ गए हैं बच्चों के लिए ले आए हैं क्या KFC वो देखे सारे बच्चे बैठे हुए ये देखिए सारे पाकिस्तानी यार कपड़ों पर सही जैसे बना रहे और बिरयानी आ गई ये चले जी लो जी खाना तैयार है रेडीमेड खाना गर्मी बहुत ज्यादा है और यही सबसे बेस्ट है यानी कि हम बगैर बताए आए थे तो घर पे सब रेडी हो जाना था नहीं तो चलो मैं कहा कोई नहीं जी चलो जी अभी हम शुरू करते हैं खाना तो है चलो अभी डालो फिर बच्चों की फरमाइश पे मैंने KFC ये सारे कह रहे KFC खाना है बच्चों की फरमाइश बिरयानी थी छोटों की बर्गर यहाँ तो बर्गर मैंने KFC फुल मेन्यू किया होगा ना उसके बाद से नफरत ही हो गई है KFC बच्चों को नहीं यही मुझे सबको ही हो गई है तकरीबन KFC हमने सबसे पहले किया था मैंने और मैकडॉनल्ड भी दिल नहीं करता अब खाने का नहीं मैं तो खाऊंगा बिरयानी बाद में डाल देंगे ये लो खाओ चावल भी नहीं क्या लेना खाते हैं खाना फिर आपसे केक भी आ गया है और बच्चे सारे रेडी हो गए केक आने के लिए और ये देखें जी 14 अगस्त का केक और सारे हम इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं पलादे पे आ गए उमेर भाई के बाद चलो जी केक काटे भी बच्चे काटेंगे हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दें सारे कि आज पाकिस्तान की कौन सी बर्थडे है ये बताओ 76 चलो जी और 10-12 साल छोटा करते 76 बर्थडे है पाकिस्तान की पाकिस्तान 76 साल का हो गया और ये देखें जी केक भी बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है बुंदू खान का केक है और उन्होंने पूरा झंडा बनाया हुआ है और ये हमारा काका भी बड़ा खुश हो रहा है ये देखिए ऐसे कर दे ये देखिए हमारा नया आय जो है ना क्या काल है केक का है पाकिस्तान का केक ये देखें जो उमेर भाई जो है ना डाइटिंग करते हुए यहाँ का मुंह देखे जरा रोज चीट डे होता है ये देखें जी ये यानी कि मैं अपना वेट बढ़ा रहा हूँ क्यों घट हो गया मेरा ना 90 के करीब लेके जाना है मैंने फिर उसके बाद मसल बिल्ड कर रहे हैं ठीक है सही कर रहा है ये इधर पहले ही मसल बिल्ड हुए हुए हैं मसल नहीं इधर पेट बिल्ड हुए हुए लोग मसल बिल्ड करते हैं ये माशाल्लाह पेट बिल्ड करते हैं अगर जिम ना करें तो फिर वो भी हफ्ता जिम जाता होगा कि रोज जाता है कितने 6 महीने हो गए संडे को छुट्टी होती है नहीं कितने साल हो गया साल तो नहीं हुआ महीना ही हुआ महीना भी नहीं हुआ हो गया 3 महीने तीसरा महीना है अभी चलो जी जिम जा रहे हैं उमेर कहते नहीं जिसका पेट है वो सेठ है हमने सेठ रखे हुए हैं अपने घर तो ये आखिरी पीस बचा था तो वो भी उमेर जो है ना उमेर कह रहा है चीट डे है तो फिर चीट डे का बच्चे को भी दे यार बच्चों को भी दो यार खाता पीता काम आने वो देखो हमारा आयत जो है ना इतने प्यार से मजेदार खा रहे पापा भी हाथ से खा रहे
उसे चम्मच फेंक दी, ये नहीं, वो कहते पापा गंदा है। ये नाभिया के दिखाई दे, ये देखिए इधर, ओ एयान का भी हुआ था, अब्दुल मान का भी। तो जी ये पाकिस्तान का झंडा जो है ना लगा दिया है, और अब हम जा रहे हैं सारे बच्चों को लेके, भाई रुमैर भाई भी साथ हैं, सब जो है ना बाजे तैयार हैं। ये देखें जिनने मैं दिखाता हूँ, ये देखें जी सारे बच्चे बाजे तैयार हैं, झंडे तैयार हैं, ये देखें जी बड़े बड़े बाजे, चलो जी चलते हैं। से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि बाजों की इतनी ज़्यादा आवाज़ें थी जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि हम भी बाजे बजा रहे थे और लोग बाजे बजाई जा रहे थे, इतने ज़्यादा रश था ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। लोगों ने सॉन्ग्स लगाए हुए थे, वॉइस ओवर करना इसलिए पड़ रहा है, सॉन्ग लगे हुए थे, बाजे बज रहे थे, बाजे ही बाजे थे, बाजे ही बाजे थे। ये इंडिपेंडेंस जो है ना हमारी, अपना बाजा बाजा ही रह गया हुआ है, यानी कि बाजा बजाओ इंडिपेंडेंस। हम खुद भी बजा रहे थे यार, किसी को क्या यानी कि करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से आज़ादी जो है ना अब पाकिस्तानियों के लिए ना एक दिन की है, और वो है 14 अगस्त की, उसी दिन आज़ाद होता है पाकिस्तान, और इसीलिए खुल के उसका इज़हार किया जाता है। बाजे बजा कर शोर करके, ठीक है, गाड़ियों के वो सिलेंसर उतारे हुए हैं, मोटरसाइकिलों के सिलेंसर उतारे हुए हैं। तो ये एक छोटा सा यानी कि मैं कहना चाह रहा था, मैं कह रहा हूँ लोगों का रश लगा हुआ है, देखिए जी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए गाड़ी देखें, गाड़ी कितनी अच्छी, गाड़ी बड़ी जबरदस्त, 76 ईयर्स हो गए हैं गाड़ी, कितनी जबरदस्त उसने मेहनत की हुई है। तो यहाँ बाजे ही बाजे बजा रहे हैं, उमैर भाई भी बाजे बजा रहे हैं, एयान ने बहुत बाजा, नाभिया जो है ना उसने इतना ज़्यादा बाजे बजाए ना जिसका कोई हिसाब नहीं। एंड पे वो कह रही थी कि मेरा गला बैठ गया, तो मैं भी गाड़ी चलाते हुए बाजे बजा रहा था, बाइक वाले देखे बाजे पकड़े हुए हैं, यार बाजे बाजे हुए हुए थे, मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों के पास ना इस तरह के बाहुबली बाजे ही नहीं है, तो बाहुबली बाजों ने भाई जी हैरान कर दिया लोगों को, लोग परेशान हो गए हैं, लोग ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, जवाब कहते क्या आवाज है, क्या बात है। जाके बाजे थक गए हैं, क्यों ना भैया, नाभे ने भी बहुत बजाया, काके ने भी, एयान ने भी, ये देखें सारे थक गए हैं, बस अब आ गए वापस हम लोग, अभी देखते हैं क्या करते हैं। अब जो है ना हम जा रहे हैं, सारा बच्चों का भी इंजॉयमेंट हो गया, सब कुछ कर लिया, इनको बाइक भी घुमा लिया है, अब हम चलेंगे घर, और रास्ते में भी इंजॉय करते हुए जाएंगे। तो मैं और रामना अभी इधर ही हैं, वो कब आएंगे घर, दो तीन दिन बाद आएंगे, और ये हम आयत हमारे साथ आ रही है, देखा आयत कितना कितना खेल रहा है, ये देखा दो दो झंडे जाना मैं चार जाना, चलो अभी आ जाओ, चले आ जाओ, ओहो जा रही है, जा रही है, चलो जी वापिस छोड़ के जाओगे, पापा पापा इसको पकड़े ना, पापा ओ देखिए फटाफट बांके चलो, चलो चलो।
ठीक है, आ गया तो हम बैरियर टाउन से जो है ना अब हम जा रहे थे वापस, तो बैरियर टाउन में वापस से वापस जाने वालों का ना बिल्कुल रश नहीं है, लेकिन बैरियर टाउन में एंट्रेंस का जो है ना इतना रश है कि कम से कम भी ना 1 किलोमीटर तक की जो है ना लाइन लगी हुई है और बहुत ज्यादा रश है अंदर ना। एंट्रेंस बंद नहीं की होगी, वो सबसे आईडी कार्ड वगैरह मांग रहे होंगे तो वो इस तरह से मसला हो रहा होगा। तो जी आज अब हम आ गए हैं घर, तकरीबन रात के ना तकरीबन 1:30 बज गए, हाँ 1:30 बज गया हुआ है। इतना ज्यादा रश था ना कि हम ना वीडियो भी बड़ी मुश्किल से हम पहुंचे, क्यों बाबा बताओ जरा, थक गया। और नाबिया जो है ना, नाया तो सो गई हुई थी, नाबिया को भी बहुत ज्यादा नींद आई, वो ऊपर चले गए। रे भाई इधर है। तो जी ये थी हमारी वीडियो, ये हम 14 अगस्त को हमेशा वीडियो बनाते होते हैं। तो इधर चेंजिंग ये हुई कि हम ना प्लाजे पे जाना पड़ गया क्योंकि वो मैं नहीं आया था इधर, तो हम चले गए उसको बगैर बताए हुए, वहाँ केक ले गए, केक कटिंग की, वहाँ खाना खुना खाया, फिर बाहर हम घूमने के लिए निकले थे बच्चों के साथ। तो बहुत ज़्यादा रश था, क्यों बाबा कैसा रश था, तो वहाँ पर हमने फिर बाजे बूजे बजाए। अब्दुल रहमान ने तो अभी भी सारा सामान पहना हुआ है, बाजे बजाए ये वो, नाया ने भी बहुत ज़्यादा बजाया, नाबिया ने भी बहुत ज़्यादा बजाए, एयान ने भी बजाए, मैं भी गाड़ी चलाते हुए बाजे बजाता रहा। सबसे ज्यादा वो मजे थे जब कहते बंदे कहते गाड़ी लेके आ, गाड़ियों में सब जा रहे थे, सब बाजे बजा रहे थे। तो अब ना हो गई है बहुत ज्यादा थकावट, तो अब जो है ना हम चले हैं सोने के लिए। पहले मैं पीऊंगा चाय पी के फिर मुझे नींद आएगी इंशाल्लाह। तो जी ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जो कि हम 14 अगस्त में हम बनाते होते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते होते हैं 14 अगस्त को। तो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ हमारे बेल आइकन जो है ना उसको भी प्रेस किया करें ताकि, और बस थका नहीं अभी तक, तो बेल आइकन को भी प्रेस किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे इंस्टा को भी आपने फॉलो करना है, वर्स ब्रदर के इंस्टा को भी फॉलो करना है, और सारे जितने भी चैनल हमारे हैं ना सबके चैनल्स को आपने सब्सक्राइब करना है। खुश रहें, सबको खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।